हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज मैं आपको एक प्लाजो पैंट की बहुत ही डिज़ाइनर मोड़ी बनाना सिखाने आई हूँ। आई होप आप सभी को पसंद है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक 5 इंच की पट्टी कट करके रखी हुई है और मैं आपको बताऊँगी पिंटेक्स डिज़ाइन और लेस के साथ बहुत ही स्टाइलिश बनेगी। आई होप आप सभी को पसंद आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो मैंने पट्टी 5 इंच की कट की है इसको पिंटेक्स डिज़ाइन देना है। तो पिंटेक्स डिज़ाइन देने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारा पट्टी कट हुई है उसमें हमें जितनी चौड़ी पिंटेक्स बनाना है उतनी चौड़ी लेकर के हमें वहाँ से स्टिच करना है। कुछ इस तरीके से हमें स्टिच करना है, ये देखिए ऐसे ही आपको जितनी जितनी चौड़ी स्पेस छोड़ना है उतनी स्पेस छोड़ करके हम पिंटेक्स डिज़ाइन डालेंगे। तो गाइज, जैसे आप मार्केट में देखते हो कि हमें इस तरीके का प्लाजो पैंट लेना है, आप मार्केट से जो प्लाजो पैंट खरीदने जाओगे वैसे ही आज मैं डिज़ाइन आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमें जितने भी पिंटेक्स डालना है उतने पिंटेक्स डाल सकते हैं। तो हमारी जो मोरी है, जो हमने पट्टी ली है, वो सिर्फ 5 इंच की है, तो हमें पिंटेक्स उसी हिसाब से डालना है। मुझे यहाँ पे 3 पिंटेक्स डालना है तो मैं 3 ही पिंटेक्स डाल रही हूँ। अगर आपको और भी ज़्यादा पिंटेक्स डालना है तो आप और चौड़ी पट्टी काट सकते हैं, ये देखिए। तो हमारा दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, तो हमें उधर से एक्स्ट्रा कपड़े थे मैंने उसे काट के निकाल दिया है। तो ये देखिए कट गया। अब इस लेस को मैं लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी इस तरीके की लेस हो, अगर आपके पास भी ऐसी लेस हो तो आप लगा सकते हो, और हमें कपड़े को सीधा रखना है और लेस को पलट करके ऐसे लगा देना है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको पलट के लगाना है। ये देखिए एक साइड की मेरी पट्टी लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही हमें दूसरे साइड भी इस तरीके से लेस लगा देना है। जैसे हमने उस साइड पे लगाया हुआ है वैसे ही हमको इस साइड भी लगाना है। हमें डबल स्टिच कर देना है। आप कहीं पे भी कपड़े स्टिच करो तो डबल स्टिच ज़रूर करना, क्योंकि अगर सिंगल स्टिच करते हैं तो हमारे कपड़े खुल जाएंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों साइड में लेस मैंने अटैच कर दी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारा नीचे का एरिया है उसे मैं डबल लेयर में करके इसको स्टिच करूँगी, क्योंकि जो नीचे का एरिया है वो निकल जाएगा, खुल जाएगा, इसलिए मैं इसको डबल कर रही हूँ। तो अगर आप इसको सिंगल रखना चाहो तो आप सिंगल रख सकते हो। अब हमें डबल स्टिच इसको भी कर देना है। इसके ऊपर से एक स्टिच इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका लुक दिखने में बहुत ही प्रिटी लगे। ये देखिए मैंने डबल स्टिच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, दूसरे साइड भी मैंने लेस लगाई थी तो इसको ऊपर का जो हमारा स्टिच हम करते हैं वैसे ही हमको इसमें भी स्टिच कर देना है पूरा। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से स्टिच हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है प्लाजो पैंट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी पट्टी है उसको नाप लेंगे इंची टेप से हमारा कितना है। देखिए हमारा 5 इंच का है, तो हम प्लाजो पैंट पे अपना 5 इंच कम करके कट करके निकाल देंगे, फिर उसके बाद ये लेस अटैच करेंगे। जो हमारी हम मोरी बना रहे हैं डिज़ाइनर, तो अलग कर लेंगे फिर उसके बाद इसको लगाएंगे। ये देखिए हम जो हमारी मैंने अभी मोहरी बनाई है प्लाजो पैंट की उसको अपने प्लाजो पैंट में अटैच कर रहे हैं। सिंपल से स्टिच होगी डबल, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने उधर साइड में कपड़े के ऊपर से स्टिच किया है वैसे ही हमको इसके ऊपर भी स्टिच करना है।
तो गाइज ऐसा प्लाजो पैंट मोरे डिज़ाइन पे आप सोचते हो मार्केट में जाने के लिए, हम घर में बना लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे प्लाजो पैंट की मोरी का लुक आएगा और बहुत ही स्टाइलिश लगेगा जब आप प्लाजो पैंट पहनोगे। आप इसको आयरन करने के बाद देखना, बहुत ही डिज़ाइनर लगेगा। अब हमें क्या करना है, हमें प्लाजो पैंट को साइड की जो स्टिचिंग होती है उसको सिल लेना है। जितनी आपको फिटिंग पहननी है उतनी फिटिंग लेकर के सिल लेना है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहे तो प्लीज़ बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।